हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कबीरधाम ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कबीरधाम ज़िला, यह ज़िला भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में से एक कबीरधाम ज़िला के नाम से जाना जाता है। इस ज़िले का हेड क्वार्टर ऑफिस कवर्धा शहर में मौजूद है और कबीरधाम ज़िला दुर्ग मंडल के अंतर्गत आता है। कबीरधाम ज़िला की स्थापना सन 1998 में हुई थी। कबीरधाम ज़िला के पश्चिम दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला और बालाघाट ज़िला, दक्षिण दिशा में राजानंदा गांव ज़िला, दक्षिण पूर्व दिशा में दुर्ग ज़िला और पूर्व ज़िला में बिलासपुर ज़िला से घिरा हुआ है। कबीरधाम ज़िला में 4 ब्लॉक, 1 नगर पालिका परिषद, 1 लोकसभा, 2 विधानसभा, 5 नगर पंचायत, 817 ग्राम पंचायतें और 1013 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो कबीरधाम ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4,235 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कबीरधाम ज़िला की कुल आबादी 82,25,226 है। कबीरधाम ज़िले का औसत लिंगानुपात 997 के करीब है, यानी कि यहां पर 1,000 पुरुष पर 997 महिला हैं। कबीरधाम ज़िला के मुख्य नदी का नाम सकरी नदी है। सकरी नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 117 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1173 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िले की साक्षरता दर 61% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल के नाम बचपन प्ले स्कूल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सरस्वती ज्ञान मंदिर, ज्ञान भारती स्कूल, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहाँ पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल में सुमार कान्हा नेशनल पार्क, भोरमेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पुष्पा सरोवर झील आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। यहाँ पर लोग जाकर काफ़ी आनंद लेते हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला की सड़कें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ी हुई है। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो कबीरधाम ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम कवर्धा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, कबीरधाम ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी मिली है या फिर अगर आपको कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बता दें। और दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।